कुमाऊनी साहित्यकार अल्मोड़ा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालम सिंह जनौटी की जयंती पर यहां एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बागेश्वर के एसडीएम योगेंद्र सिंह तथा कपकोट एसडीएम प्रमोद कुमार सहित अन्य लोगों ने बालम सिंह जनौटी के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पेश सीसी न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के पूर्व पालिका अध्यक्ष तथा कुमाऊनी के साहित्यकार स्वर्गीय बालम सिंह जनौटी की जयंती के मौके पर तहसील सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उपजिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि स्वर्गीय बालम सिंह जनौटी ने साहित्य के जरिए समाज में व्याप्त समस्याओं को उठाते हुए उनके निदान का प्रयास किया था। कपकोट के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि स्वर्गीय बालम सिंह जनौटी एक कुशल राजनेता, साहित्यकार तथा मुखर समाज सेवक रहे हैं। उनकी योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी, बसंत बल्लभ पाठक, दिग्विजय सिंह जनौटी, भगवती जनौटी आदि ने दिवंगत बालम सिंह जनौटी को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम उनकी जन्मतिथि मनाते हैं फिर और सभी लोगों की सहयोग से मनाते हैं और बच्चों ने शुरू करा है जयंती। दरअसल हम 2008 से लगातार मनाते हुए आ रहे हैं और ये बागेश्वर जनपद मुख्यालय में लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, तो लगातार कंटिन्यू यहाँ बार एसोसिएशन और हमारी बालम जनौटी साहित्य एवं पर्वतीय विकास समिति की ओर से लगातार इस जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछली बार तक हम इस जयंती कार्यक्रम को काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाता था, इस बार मगर COVID-19 के चलते हम लोगों ने इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप नहीं देते हुए सूक्ष्म रूप से आयोजित किया था, जिसमें एक श्रद्धांजलि सभा और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा था। और आज के हमारे मुख्य अतिथि SDM बागेश्वर तथा विशिष्ट अतिथि SDM कपकोट रहे। आज की सभा की अध्यक्षता हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी जी ने की, तो और इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जो हमारे सहयोगी हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनौटी जी हमारे उत्तराखंड ने मैं समझता हूँ पूरे देश के एक महान विभूत थे और उनका व्यक्तित्व बहुत आयामी था। वो जहाँ एक कुशल राजनेता थे तो वहीं एक बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं और उसके साथ ही कुमाऊनी भाषा में उनका बहुत विशद अध्ययन था और उनका कमांड था कुमाऊनी भाषा में। उन्होंने बहुत संघर्षशील नेता थे, संघर्ष में उनका जीवन हमेशा उन्होंने जीवन जिया और मैं इस बात के लिए उनके श्रीमती जी भगवती जनौटी जी और उनके बेटे दिग्विजय का भी बहुत मतलब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हर साल बागेश्वर बार में वो इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं उनकी जन्म जयंती समारोह को और हमारे बागेश्वर बार और की ओर से इस जयंती समारोह को सदैव मनाए जाने का संकल्प हम लोगों द्वारा लिया गया है। उनकी साहित्यिक प्रतिभा और उनकी राजनीतिक प्रतिभा और उनके कौशलपूर्ण कार्यों का उल्लेख इस कार्यक्रम में होता है, जिससे कई लोग हम लोगों को एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। बागेश्वर के पत्रकार जनों का और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है और बालम सिंह जी एक जीवट के व्यक्ति थे और उनको उनकी जयंती के अवसर पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।